और मैं नहीं समझता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी ताकत, चाहे दुआ की ताकत हो, चाहे हथियार की ताकत हो, चाहे इम्कानात की ताकत हो, चाहे कुव्वत व सल्तनत हो, उससे बड़ी ताकत न दुनिया में कभी पैदा हुई है न हो सकती है। उसके बावजूद इन अहवाल के नतीजे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो असालीब इख्तियार किए, जिन चीजों की दावत दी, सहाबे किराम को जिन चीजों पर उभारा, वो एक चीज थी कि तुम सब्र व तहम्मुल से काम लो, दीन की तरफ रुजू करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने की कोशिश करो, कुरान मजीद का मुताला करो, दीन इस्लाम के अहकामात को अपनाओ, उसके मुताबिक जिंदगी को ढालो, सारे मसाइल देखते देखते छट जाएंगे, आराम की जिंदगी गुजार लोगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि अगर तुम लोग दीन इस्लाम के अहकाम मसाइल की पैरवी करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, आज अगर कोई सब्र व तहम्मुल की तलकीन करता है, मनहज सहाबा की तशरीह करता है, आज अगर कोई ये कहता है कि मसाइब में हमको दीन की जानिब रुजू करना है, तो सबसे पहला इत्तेहाम ये होता है कि ये किसी का एजेंट है, सबसे पहला इत्तेहाम ये होता है कि ये बुजदिल है, सबसे पहला इत्तेहाम ये होता है कि ये दूसरों के इशारों पर काम करता है। माफ फरमाएंगे, अगर ये इत्तेहाम सही है तो ये इत्तेहाम लौटेगा सहाबे किराम की जानिब, अगर ये इत्तेहाम सही है तो ये इत्तेहाम नाफिज होगा खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि इसकी दावत ये मनहजे सहाबा की दावत का बुनियादी हिस्सा है। तो हम देखें कि तौहीद के मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक में मुसलमान कहां खड़ा है, कितनी दरगाहें हैं जो मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों से ज्यादा आबाद रहती हैं, कितनी दरगाहें हैं जिन पर मुसलमान मस्जिदों के इंतजाम से ज्यादा अपना माल सर्फ करता है, कितने ऐसे हमने बुत बना रखे हैं गैरुल्लाह के नाम पर जिनके सामने औलादें मांगी जाती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके दुआएं की जाती हैं। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون الله من وال। محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور خواتین اسلام، अब से तीन हफ्ते पहले तक आप हजरात के सामने सहाबे किराम और सलफ़े सालेहीन के मनहज की रोशनी में इस बात की कोशिश की जा रही थी कि मुसलमान मनहज सलफ़ की जानिब रुजू करे, मुसलमान सिर्फ इस बात पर इक्तफा न करे कि कुरान मजीद और सुन्नत रसूल से क्या साबित होता है, बल्कि कुरान और सुन्नत को सहाबे किराम के फहम पर समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और ढालने की कोशिश करें। तीन हफ्ते से दूसरे फजला ने बाज़ अहम निकात और अहम मौजूआत पर आपसे खिताब किया और सफ़र की मजबूरी की वजह से वो सिलसिला रोक दिया गया था, लेकिन आज के खुतबे जुमा में उसी के तनाजुर में
मैं थोड़ी सी गुफ्तगू आपके सामने करना चाहता हूँ। इससे पहले दो खुतबात जुमा जो मौजूदा दौर के फितनों में मुसलमानों की जिम्मेदारियाँ क्या हैं, इसके अहम और मुख्तलिफ निकात पर मुश्तमिल था, जिसमें इस बात की अपील की गई थी कि मुसलमान जितना भी फितनों का शिकार हो जाए, मुसलमान जितनी भी परेशानियों और मुसीबतों का और मुश्किलात का सामना करे, उसकी जिम्मेदारी ये है कि तमाम मुश्किलात में, तमाम मुसीबतों में, नाजुक अहवाल और हालात में वो उसके बावजूद आपे से बाहर न जाए, मनहज सलफ के दायरे में रहते हुए ज़िंदगी गुजारे। सहाबे इकराम की जिंदगियां, असलाफ उम्मत की जिंदगियां, ताबईन इवाम, अइम्मे मुहद्दिसीन, दवावीन सुन्नत और दूसरी किताबों के मुअल्लिफीन ने हमसे कहीं ज़्यादा तकलीफ दे जिंदगियां गुजारी हैं। उनको जीते जी कत्ल कर दिया गया, उनको कैदो बंद की जिंदगियां गुजारनी पड़ी, उनके दुरूस रोक दिए गए, मस्जिदें बंद कर दी गई, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, उनकी किताबें जला दी गई, उनके शागिर्दों को जदोकोब किया गया, लेकिन उसके बावजूद असलाफ उम्मत ने जो वतीरा सहाबे किराम की जिंदगी से अख्ज करके इख्तियार किया था, उसी वतीरे के नतीजे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद उनके शामिल हाल हुई। और वो हर दौर में नजाकत के बावजूद, नाजुक अहवाल के बावजूद कामयाब हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जलती आग के अंदर से भी उनको ऐसे रास्ते दिखाए कि अमन सुकून के साथ वो उसको पार करके निकल गए और दुनिया को बचाने में और आखिरत की कामयाबी के असबाब पैदा करने में कामयाब हुए। आज मुसलमान अगरचे सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों की तादाद में है, जिधर देखो मुसलमानों की बड़ी बड़ी बस्तियां नजर आती हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इनमें गिने चुने चंद मुसलमान जिनको बड़े आराम के साथ गिना जा सकता है, वही मनहजे सलफ पर चलने, मनहजे सलफ को अपनाने, कुरान और सुन्नत के हकीकी मफहूम को समझने में कामयाबी हासिल कर पाते हैं। आज अगर मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर अपने आप को आमादा करना है तो मनहज सलफ के मुताबिक कुरान और सुन्नत को समझना होगा, उसके मुताबिक जिंदगी को ढालना होगा, वरना आप कितने भी जज्बात दिखा दें, कितनी भी शिद्दत इख्तियार कर लें, कितने भी नारेबाजी कर लें, कितना भी सड़कों पर निकल जाएं, ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। हमारे मसाइल का हल ये है कि हम बंद कमरे में इस बात पर गौर व तदब्बुर करें कि हमने माजी में कौन सी खताएं की हैं। हम बंद कमरे में इस बात पर गौर व तदब्बुर करें कि हमने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हक की हक तलफी कहां कहां की है, सुन्नत रसूल के सिलसिले में कहां कोताही का शिकार हुए हैं, उलमाए किराम की कहां कहां तोहीन की है, कुरान मजीद की कहां हक तलफी की है। ये सारी की सारी हमारी जिम्मेदारियां हैं। अगर इन जिम्मेदारियों को महसूस करके मुसलमान जिंदगी गुजारता है तो मुसलमान कामयाब होगा, वरना वो मुसलमान ही बाकी नहीं रहेगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मिसाल दे दी कि गुसा उनका गुसा इस सैल कि सैलाब में उठने वाले कूड़े करकट और झाग के मानिंद मुसलमानों की तादाद बहुत लंबी चौड़ी होगी। जब सहाबे किराम ने पूछा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की सही रिवायत है, फरमाया कि योशिकुल उमम अन तदाअ अलैकुम कमा तदाअ अल अकलतु इला कसअतिहा, कि अन करीब तुम्हारे ऊपर सारी उम्मतें, सारी ताकतें, सारे ग्रोह और सारी की सारी चीजें टूट पड़ेंगी, पिल पड़ेंगी, वैसे ही जैसे भूखा इंसान खाने के बर्तन पर टूट पड़ता है। सहाबे किराम ने पूछा, वमिन किल्लतिन यौम इज़्न या रसूलल्लाह, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम थोड़ी तादाद में होंगे? आपने फरमाया कि नहीं, बल अंतुम गुसा उनका गुसा इस सैल, तुम सैलाब में उठने वाले कूड़े करकट और उसमें पैदा होने वाली झाग के मानिंद हर जानिब फैले हुए होगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
तुम्हारे ईमान को कमजोर कर दिया होगा। तुमने कुरान और सुन्नत से दूरी इख्तियार करके अपने आप को नाम का मुसलमान अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान मासूम करके अपने आप को मुसलमान तो बाकी रखा होगा, लेकिन न तौहीद का पासो लिहाज होगा, न इत्तिबाए रसूल का पासो लिहाज होगा, न मनहजे सलफ और मनहजे सहाबा का लिहाज होगा। इसकी बुनियाद पर तुम्हारी मिसाल कूड़े करकट से ज्यादा नहीं होगी, जो जिस तरफ चाहे तुमको हाँक दे, जैसे चाहे तुमको बिदका दे, जिस तरीके से चाहे तुमको नुकसान पहुंचा दे। ना अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस बात की फिक्र होगी और ना मुसलमानों के बड़े उनके बारे में कोई फिक्र करेंगे, बल्कि करतूतों के नतीजे में, बदअमालियों के नतीजे में हमारे जो बड़े होंगे वो इस अंदाज के सियाहकार हम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे कि वो लोग हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये कानून फितरत है, हमें इस पर गौर तदब्बुर करना होगा। तो आज के दौर में अगर मुसलमानों के फितनों के दौर की जिम्मेदारियों और साबका दो खुतबों के निकात पर गौर किया जाए और मुसलमान अपने गिरेबान में झांक करके सोचे, गौर व तदब्बुर करे कि मुसलमान इस्लाम के तई कौन से पैमाने पर खड़ा हुआ है, कितने पानी में है, कितनी जिम्मेदारियों को महसूस करता है, तो आप निकल करके देखें कि सबसे बुनियादी हक जो मुसलमानों को पूरा करना चाहिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है, तौहीद की तकमील है, तौहीद के तकाजों की तकमील है, तौहीद रुबूबियत हो, तौहीद उलूहियत हो, तौहीद अस्मा व सिफात हो, तमाम के तमाम उमूर में मुसलमानों को मिन वहन वैसी ही जिंदगी गुजारनी होगी जैसी जिंदगी सहाबे किराम और असलाफ उम्मत ने गुजारी है। उन लोगों ने तकलीफें बर्दाश्त कर ली, लेकिन तौहीद पर आँच आ जाए इस बात को बर्दाश्त नहीं किया। सहाबे किराम ने तौहीद के नारे बुलंद किए, नतीजे में आले यासर को जदोकोब किया गया। सहाबे किराम ने तौहीद के नारे बुलंद किए, नतीजे में बिलाले हबशी रजी अल्लाह तआला के पैर में बेड़ियां डाल दी गईं। मुसलमानों ने तौहीद के नारे बुलंद किए, खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में लहूलहान किया गया, मक्का में आपकी जिंदगी को तंग कर दिया गया। और मैं नहीं समझता कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी ताकत, चाहे दुआ की ताकत हो, चाहे हथियार की ताकत हो, चाहे इम्कानात की ताकत हो, चाहे कुव्वत व सल्तनत हो, उससे बड़ी ताकत न दुनिया में कभी पैदा हुई है न हो सकती है। उसके बावजूद इन नहवाल के नतीजे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो असालीब इख्तियार किए, जिन चीजों की दावत दी, सहाबे किराम को जिन चीजों पर उभारा, वो एक चीज थी कि तुम सब्र व तहम्मुल से काम लो, दीन की तरफ रुजू करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी करने की कोशिश करो, कुरान मजीद का मुताला करो, दीन इस्लाम के अहकामात को अपनाओ, उसके मुताबिक जिंदगी को ढालो, सारे मसाइल देखते देखते छट जाएंगे, आराम की जिंदगी गुजार लोगे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि अगर तुम लोग दीन इस्लाम के अहकाम मसाइल की पैरवी करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद करोगे, यंसुरकुम, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा, व युसब्बित अक़दामकुम, और तुम्हारे कदमों को जमा देगा। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, आज अगर कोई सब्र व तहम्मुल की तलकीन करता है, मनहजे सहाबा की तशरीह करता है, आज अगर कोई ये कहता है कि मसाइब में हमको दीन की जानिब रुजू करना है, तो सबसे पहला इत्तेहाम ये होता है कि ये किसी का एजेंट है, सबसे पहला इत्तेहाम ये होता है कि ये बुजदिल है, सबसे पहला इत्तेहाम ये होता है कि ये दूसरों के इशारों पर काम करता है। माफ फरमाएंगे, अगर ये इत्तेहाम सही है तो ये इत्तेहाम लौटेगा सहाबे किराम की जानिब, अगर ये इत्तेहाम सही है तो ये इत्तेहाम नाफिज होगा खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि इसकी दावत ये मनहजे सहाबा की दावत का बुनियादी हिस्सा है। तो हम देखें कि तौहीद के मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुकूक में मुसलमान कहाँ खड़ा है, कितनी दरगाहें हैं जो मुस्लिम इलाकों में मस्जिदों से ज्यादा आबाद रहती हैं, कितनी दरगाहें हैं जिन पर मुसलमान
मस्जिदों के इंतजामात से ज्यादा अपना माल सर्फ करता है। कितने ऐसे हमने बुत बना रखे हैं गैरुल्लाह के नाम पर, जिनके सामने औलादें मांगी जाती हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके दुआएं की जाती हैं, और उसी के बाद आप देख लें कि कुरान मजीद जो रब कायनात का कलाम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब है, सारी दुनिया के लिए चैलेंज और सारी किताबों के लिए चैलेंज है। अब से 1400 साल पहले वो कुरान मजीद नाजिल किया गया, जिसके एक एक हर्फ पर 10-10 नेकियां दी जाती हैं, और अलिफ लाम मीम ये एक हर्फ नहीं बल्कि ये 3 हरूफ हैं, जिनमें कम अज कम 30 नेकियां इंसान को मिलती हैं, और उसके इखलास के लिहाज से वो 700 गुना तक बढ़ाई जा सकती हैं। इस कुरान मजीद के बारे में हमने कौन से हुकूक अदा किए? कोई कुरान मजीद को कब्रों पर पढ़ता है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर पढ़ने से इसको मना फरमाया। कोई कुरान मजीद को तावीज गंडे की शक्ल में बांध करके अपनी गर्दनों में, अपनी टांगों में, अपने हाथों में बांधता है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को शिर्क करार दिया। आज कुरान मजीद जो रब कायनात का कलाम है, उसके हुकूक की अदायगी के बारे में हम कितने पानी में हैं, हमको इसका भी जायजा लेना होगा। तीसरी बुनियादी चीज जो हमारे अंदर दिनों रात कमजोरी पैदा कर रही है, हमको राह रास्त से भटका रही है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी और इत्तबा है। हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दे दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिउनी युहिब्बुकुम अल्लाह। ए लोगो सुन लो, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बत करना चाहते हो, इस तौहीद का हक अदा करना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारा नासिर व हामी हो, तुमसे मोहब्बत करने लगे, तुमसे कुर्बत इख्तियार कर ले, तुम्हारे मसाइल को हल कर दे, तुम्हारी मुश्किलात को दूर कर दे, फत्तबिउनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह कर दिया और कुरान मजीद ने ऐलान कर दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। आज तकलीद शख्सी के नाम पर न जाने कितने इमाम पैदा हो गए, कोई किसी की तकलीद करता है, कोई किसी की तकलीद करता है, लेकिन तकलीद को बालाए ताक रख करके इत्तिबाए रसूल की जानिब रुजू करने वाले खाल खाल नजर आते हैं, और इत्तिबाए रसूल को बालाए ताक रख करके तकलीद शख्सी को तरजीह देने वाले कसरत के साथ सिवाद आजम का दावा करके न जाने कौन कौन से अकायद की नशरो इशात करते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इत्तिबाए रसूल के सिलसिले में वफादार बने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक को अदा करें, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया। ये उलमाए हक जो कुरान और सुन्नत को मनहजे सहाबा और मनहजे सलफ के मुताबिक बयान करते हैं, ये अंबिया के वारिस हैं। आज आप इंसाफ के साथ अपनी गिरबान में झांकें कि क्या आप उलमा की कदरदानी करते हैं, क्या उलमा से जोड़ करके दीन को समझने की कोशिश करते हैं, या हर शख्स अपने कमरे में बैठ करके एक कैमरा ऑन करके मुफ्ती बना फिरता है। आप इंसाफ के साथ अपने आप से सवाल करें कि आज के दौर में उलमा की कदरदानी के बारे में आपने अपने दिलों में कितना एहसास पैदा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को 1400 साल से ज्यादा हो चुके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए इन उलमा को अपना वारिस बनाया, इनसे इल्म हासिल करने की तलकीन फरमाई, इनकी हिदायत को हिदायत करार दिया, इनके तरीके को कुरान और सुन्नत और जन्नत में ले जाने वाला रास्ता और तरीका करार दिया। आज उलमाए किराम के बारे में न जाने कौन कौन सी पॉलिसियां, न जाने कौन कौन से वसवसे, न जाने कौन कौन से इत्तेहामात और गलत अंदाज की चीजें इख्तियार करके हमने माशरे को खोखला करके रख दिया है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अंबिया के वारिस उलमाए किराम को उनके हुकूक अदा करके और पूरा एहतराम दें। अगर वो कुरान और सुन्नत और मनहजे सलफ के मुताबिक बयानात देते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तो उनका एहतराम किया जाए,
उनकी बातों पर गौर व तदब्बुर किया जाए, उनकी हक तलफी न की जाए, उनकी तौहीन न की जाए, उनकी गीबत न की जाए, उनके बारे में झूठे प्रोपेगंडे न किए जाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मुस्लिम कौम आज के दौर में अपने उलमा से जितनी ज्यादा बदजन है उतनी ज्यादा दूसरे कौमें बदजन नहीं है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अगर दुनिया 1000 साल और भी जिंदा रहे तो भी ये मुसलमान अपने उलमा के बारे में वफादार नहीं हो सकते, और ये इनकी नाकामी की सबसे बुनियादी चीज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको महफूज रखे। आप देखें, आप आगे चलें, अपना जायजा लें, आप देखें कि सहाबे इकराम की अजमत और मनहजे सहाबा का पासो लिहाज रखना ये भी हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है। लेकिन आज के दौर में सहाबे इकराम की तनकीस करने वाले, सहाबे इकराम की तौहीन करने वाले, सहाबे इकराम पर उंगलियां उठाने वाले, सहाबे इकराम पर बेजा तौर से तनकीदें करने वाले, उनके ऊपर इत्तेहामात लगाने वाले आज हमारी जेबों में सुने जाते हैं, सोशल मीडिया की जीनत बनते हैं। हम उनको पासो लिहाज रख करके उनको अहमियत देते हैं, उनकी बातों को अहमियत देते हैं। सहाबे इकराम और सलफे सालेहीन की तनकीस करने वाले, उन सहाबे इकराम और सलफे सालेहीन की तनकीस करने वाले जिन्होंने हमारी रुश्दो हिदायत के लिए आग पर चलना गवारा कर लिया, जिन्होंने हमारी रुश्दो हिदायत के लिए सारी तकलीफें बर्दाश्त कर ली, जिन नस्लाफे उम्मत ने हमारी रुश्दो हिदायत और हमको सही रास्ता दिखाने के लिए पूरी पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजार दी, कितने ऐसे गुजरे जिन्होंने रोटी के सूखे टुकड़े खाए, कितने ऐसे गुजरे कि जान उनकी जाने वाली थी, अगर कुछ न खाते तो मौत के हवाले हो जाते, अपना ही पेशाब करके बर्तन में उस पेशाब को पी लिया कि रब्बे कायनात थोड़ी सी जिंदगी अता कर दे और दीन की खिदमत का मौका मिल जाए। वो असलाफे उम्मत जिनको कई कई महीने तक छने हुए आटे की रोटी नहीं मिलती थी, वो असलाफे उम्मत जिनको साफ व शफाफ पानी नहीं मिलता था, वो असलाफे उम्मत जिनके पास न पहनने के कपड़े थे, न ओढ़ने की चादरें थी, न रहने के मकानात थे, दरख्तों के नीचे बियाबानों में झुग्गियों में और कुटिया के अंदर पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन दीन इस्लाम पर आंच आ जाए ये गवारा नहीं किया, खिदमत करते रहे उसी कुटिया से, उसी दरख्त के साये से, उसी बियाबान से, पूरी जिंदगी में लाखों लोगों को इल्म हदीस का दर्ज दिया, शरीयत इस्लामिया का दर्ज दिया और उसी तरीके से इस दुनिया से गुजर गए। उनको सताया गया, मारा गया। सिर्फ इमाम अहमद बिन हम्बल की मिसाल ले ली जाए, उनके शागिर्द कहते हैं कि फितने खल्के कुरान में इतना ज्यादा जदोकोब किया गया कि अगर एक हाथी को उस कोड़े से मारा जाता जिस कोड़े से इमाम अहले सुन्नत वल जमात को सजाएं दी जाती थी तो वह हाथी भी उसकी मार बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये कुर्बानियां थी। और आज हम बड़े आराम से असलाफे उम्मत के ऊपर इत्तेहामात लगाएं, उनके फतवों को तोड़ मरोड़ करके पेश करें, गलत अंदाज की नीयतें रखें, उनकी तनकीसो तौहीन करें, और उसके बावजूद जो लोग ऐसा करते हैं हम उनके साथ मेल मोहब्बत का इजहार करें, उनके साथ चलें, उनके साथ उठे बैठें, ये गवारा नहीं किया जा सकता। मुसलमानों को अगर इज्जत वकार चाहिए तो असलाफ उम्मत के इज्जत वकार की बुनियाद पर अपने मेल जोल और अपने ताल्लुकात को तरतीब देना होगा। मुसलमानों को असलाफ उम्मत के मनहज की बुनियाद पर एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करना होगा, तभी मुसलमान कामयाब होगा, वरना कामयाब नहीं हो सकता। तो ये सहाबे इकराम और असलाफ उम्मत की छोटी सी झलक थी जो आपके सामने मैंने पेश की। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इसे अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आप आगे बढ़ें, अपनी जिंदगी का खुलासा देखें कि हुस्न अखलाक जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि मैं दुनिया में इस वजह से पैदा किया गया हूं ताकि अखलाकी अकदार की तकमील कर दूं, अखलाकी अकदार को मुकम्मल कर दूं, दुनिया में लोगों को बताऊं कि बच्चों के साथ क्या सुलूक किया जाए, लोगों को बताऊं
कि ख्वातीन के साथ कैसा वतीरा इख्तियार किया जाए, लोगों को बताऊं कि सौदा सुलूक कैसे किया जाए, लोगों को बताऊं कि मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ, फकीरों के साथ, रिक्शा चलाने वालों के साथ, मजदूरी करने वालों के साथ कौन सा वतीरा इख्तियार किया जाए। इस चीज की तकमील के लिए मैं इस दुनिया में नबी बना करके भेजा गया हूं। आज हमारा वतीरा हुस्न अखलाक का मेयार क्या है? हमारा मेयार यह है कि हमको किसी की बात अच्छी लगे तो हम उसको चाटने को तैयार हैं, और किसी की बात बुरी लग जाए, चाहे वो बात हक हो, कुरान और सुन्नत और मनहज सहाबा के मुताबिक हो, अगर बुरी लगती है तो हमारा अजली दुश्मन बन जाता है। ये हमारे हुस्न अखलाक का मेयार है। हमारे हुस्न अखलाक का मेयार ये है कि हमारी घर की बच्चियां बेपर्दा निकलें, हमको कोई परवाह नहीं, वो मखलूत तालीम हासिल करें, हमको कोई परवाह नहीं, लेकिन दूसरों के घर की बच्चियों में जरा सा ऐब नजर आए तो हम पूरे बाजार में सरे बाजार डंका पीटने, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे अखलाक का मेयार यह है कि कोई हमारे मेयार पर चलता है तो चलता है, नहीं चलता है तो उसकी शख्सियत को मजरूह करने के लिए उस पर झूठे इत्तेहाम लगा करके उसको मजरूह कर दिया जाए। हमारे अखलाक का मेयार यह है कि हम किसी से गुफ्तगू करते हैं तो गाली गलूच करते हैं, अगर किसी से गुफ्तगू करते हैं वो पैसे वाला है, हमको नवाज सकता है, हमारी मदद कर सकता है, तो हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट है, लेकिन गरीब से बात करने के लिए हमारी पेशानी की शिकन नहीं उतरती। हमारे कई कई चेहरे हैं, हम कई कई तरह के वतीरे अख्तियार करते हैं, ये हमारी अखलाकी जिंदगी का खुलासा है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिम अल-अखलाक, कि मैं इस दुनिया में इस वजह से पैदा किया गया हूं ताकि अखलाकी जिम्मेदारियों को मुकम्मल कर दूं, अखलाकी अकदार की तकमील कर दूं, ये मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है। आज मुसलमानों को अपने अखलाकियात को नजर सानी करके उसकी इसलाह करनी होगी, उसको दुरुस्त करना होगा। और आखिरी चीज जिस पर मुसलमानों को गौर व तदब्बुर करना चाहिए वो उनके मामलात हैं। सौदा सुलूक करते हैं, नापते तोलते हैं, एक दूसरे से मामलात करते हैं, तिजारत करते हैं, तो वो कितना इंसाफ से काम लेते हैं। दूसरे की जानिब एक रुपया और थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा चला जाए इस बात की परवाह ना करें, लेकिन उनकी जानिब अगर एक रुपया नहीं एक पैसा भी हराम का आ जाए तो उनको उससे तौबा करनी चाहिए और बरात का ऐलान करना चाहिए। मुसलमान नापे तोले तो उसमें मामलात का साफ हो। आप देखें बाज़ सहाबे इकराम का ये वतीरा मिलता है कि वो बाजार में घोड़ा लेने के लिए, खरीदने के लिए पहुंचते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि इसकी कीमत बताओ। उसने कीमत बताई, फरमाया मैं इसको थोड़ा सा चला करके देखना चाहता हूं, ट्राई करना चाहता हूं। थोड़ा सा चलाया, आकर के दुकानदार से कहते हैं कि जितनी कीमत बताई है ये उससे ज्यादा का मुस्तहिक है। उसने कहा कि नहीं, कीमत तो वही है। फरमाया एक बार और तजर्बा कर लूं, कीमत मजीद बढ़ा दी। ये सहाबे इकराम का वतीरा था, और दुकानदार बेचने वाला उसी तरीके से ईमानदारी से काम लेता था। मामलात यहां तक थे कि मस्जिद की अजान की आवाज आ गई, सहाबी रसूल दुकान पर दुकानदार बनकर के बैठे हैं, तराजू के एक पलड़े में बाट रख दिया गया, दूसरे में सौदा चढ़ा दिया गया, लेकिन नगर अजान की आवाज आई, तराजू को वैसे ही छोड़ करके मस्जिद की जानिब भाग खड़े हुए कि रोजी देने वाला वो रब्बे कायनात है, मैं कितना भी कमा लूं वो चाहेगा तो एक सेकंड में तबाह बर्बाद कर देगा, लेकिन वो राजी रहेगा तो ये रोजी मिलती रहेगी। ये वतीरा था, ये मामलात थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब आप देखें हसन और हुसैन रजी अल्लाह तआला में से किसी ने एक सदके का खजूर अपने मुंह में डाल लिया तो उस बच्चे को बुलाते हैं, उंगली मुंह में डालते हैं और फरमाते हैं कख कख, इसको थूक दो, इसको थूक दो। क्या तुमको नहीं पता कि आले मोहम्मद के लिए जकात जायज नहीं, सदका जायज नहीं, लिहाजा इसको थूक दो। ये तरबियत का, मामलात की सफाई का, ट्रांसपेरेंसी का ये मेयार था।
तब जा करके इन लोगों ने 313 या 316 की तादाद के बावजूद जंगे बद्र के अंदर कामयाबी हासिल की। इन लोगों ने थोड़ी सी तादाद होने के बावजूद सारी दुनिया को हिला करके रखा। इन लोगों ने बगैर हथियार के अपने अखलाकी मेयार से, अपने मामलात की बेहतरी से बेशुमार कामयाबियां हासिल की। जब कैसर किसरा ने अपने जासूस को भेजा कि जा करके देखो कि मोहम्मद और उनके साथियों के अंदर कौन सी कमजोरी है जिसकी बुनियाद पर हम उनके ऊपर गलबा हासिल कर सकें, उनका कासिद वापस जाता है, कहता है कि नहीं, इन लोगों के ऊपर गलबा हासिल करना मुमकिन नहीं है। ये तो ऐसी कौम है कि इनका नबी वजू करता है, उसका पानी जमीन पर नहीं गिरने देते, बल्कि उसको हवा ही से उठा करके अपने जिस्म पर मल लेते हैं, तबर्रुक हासिल करते हैं। ये सूरत हाल है इन लोगों की। और आज मुसलमानों की सूरत हाल ये है कि ऐसे लोगों से तबर्रुक हासिल करते हैं जिन लोगों का न उसवा है, न कोई नमूना है, न कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होने की कोई मिसाल है। और ये तबर्रुक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी से हासिल करना भी हराम है। इस वजह से हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी को ढालें। ये तरीका नहीं चलने वाला कि किसी भी सियाहकार का जूता उठाया जाए, किसी भी सियाहकार का कोई बाल ला करके किसी म्यूजियम के अंदर रख दिया जाए, किसी भी सियाहकार का कोई लाठी या कोई दूसरा सामान ला करके म्यूजियम में सजा दिया जाए और यह दावा किया जाए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबर्रुक है और इससे बरकत हासिल की जाए। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबर्रुकात, आपके सामान, आपकी सारी की सारी चीजें अहदे सहाबा ही में फना हो गई थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत इस्लामिया को इन फितनों से महफूज करने के लिए उसी दौर में उन चीजों को खत्म कर दिया था। इस पर मुअर्रिखीन का इत्तेफाक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दीन की जानिब रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको अपना मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस बात की तौफीक अता फरमाए कि हम हुस्ने अखलाक को अपनाएं, तौहीद के तकाजों की तकमील करें, इत्तिबाए रसूल के तकाजों की तकमील करें, उलमा के हुकूक को अदा करें, सहाबे किराम और सलाफ उम्मत के हुकूक को अदा करें, अपने मामलात को बेहतर करें। हम जब तक जिए तब तक इस्लाम पर जिए, जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। बारक अल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अल मजीद व नफानी व इयाकुम बिल आयात व ज़िक्र अल हमीद इन्नहु तआला जवाद करीम मलिक बर्रऊफुर रहीम।